भाई अभी रास्ते में से जा रहे थे तो भाई रेडिगो के साथ एक कांड हो चुका है। जैसे अगर बल्फ नहीं जल रहा होता तो कुछ नहीं दिखता भाई, बंद करना लाइट। ये देखो अंधेरा हो गया। हेलो गाइस, मैं हूँ हार्दिक पांचाल। तो भाई अभी रास्ते में से जा रहे थे तो भाई रेडिगो के साथ एक कांड हो चुका है। कांड मतलब इतना बड़ा नहीं है भाई, इसके अंदर ना जो इसका हेडलाइट का बल्ब था ना वो भाई फ्यूज हो गया राइट वाला। लेफ्ट वाला तो सही चल रहा है पर लेकिन राइट वाला नहीं चल रहा। तो भाई अभी हमें यहाँ पे एक शॉप मिली थी रस्ते में, तो यहाँ पर डलवा रहे इसका बल्ब। तो देखते भाई कितने का डालेगा बल्ब वगैरह, बता दूंगा आपको। तो भाई यहाँ पर ये बल्ब लिया, अभी भाई चेंज करने लग रहे हैं। ये लो भाई बल्ब ले लो, मिंडा का लगा रहे भाई। इसका ना होल्डर होता है वो लगा रहे, क्योंकि ओरिजिनल लगवा लेंगे ना तो फायदा रहेगा, क्योंकि यार पहली बार उड़ा है इसका बल्ब। तो ये भाई चेंज करने लग रहे हैं अपना बल्ब वगैरह। ये रहा बल्ब रखा हुआ है भाई। इसके ना पहले हेलोजन लाइट ही आती है, इसके अंदर एलईडी वगैरह डलवा के ना इतना फायदा नहीं होता, क्योंकि इसकी बैटरी थोड़ी छोटी होती है तो इतना अच्छा थ्रो नहीं मिलेगा। ये अपने हेलोजन लाइट के बेस पे ही इसकी बैटरी लगाई जाती है इसके अंदर। बाकी भाई इसके ना एक तो लाइटों का थ्रो इतना अच्छा आता नहीं है, बाकी एक बल्ब फ्यूज हो जाए उसके बाद भाई सामने का कुछ दिखता भी नहीं। तो अभी आपको बताता हूँ भाई, 90 रुपये का बल्ब दिया है अपने को, ये वाला जो बल्ब रखा हुआ है ना, ये देखो भाई ये वाला बल्ब अपने को 90 रुपये का दिया है इसके अंदर। बाकी अपना 50 रुपये के इनकी लेबर हो गई, तो मतलब 150 रुपये में लगा देंगे। कहने की बात यह है इसकी, अगर आपको दिखा दो ना तो भाई पीछे की साइड से तो कोई दिक्कत नहीं है, टेलम वगैरह में आज तक बल्ब फ्यूज़ नहीं हुआ। बस इसका ना रोड पे चलते हो अचानक से ध्यान दिया गया भाई, रोशनी तो दिख नहीं थी सामने गड्ढे वगैरह, तो ये देखा तो बल्ब फ्यूज़ था इसके अंदर। अभी यहाँ से चेंज हो रहा है, चेंज होने के लिए भाई बम्पर वगैरह कुछ नहीं खोलना पड़ता, बाकी यहीं से चेंज हो जाता अपना। कपलर टू कपलर होता ना भैया? कपलर टू कपलर चेंज हो जाता भाई यहीं से बल्ब। ये देख लो तार वगैरह ज्वाइंट करके ये चेंज हो जाएगा भाई। अब लग चुका है इसके अंदर बल्ब, तो अब जला के देखने की बारी है। देखो भाई दोनों बल्ब जल गए। अब इसके पहले खाली ना ये वाला बड़ा बल्ब नहीं जल रहा था, छोटे वाला जल रहा था भाई। ये देखा इन्होंने कुछ दिया अपने को, पहले वाले बल्ब का होल्डर है, ये फूक गया था ना, फ्यूज उड़ जाता है तो ऐसा होता है। अब दोनों बल्ब जल चुके हैं इसके अंदर। बाकी भाई रोड पर देख रहे हो ना तो लोग देखते हैं, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ इसके अंदर। अभी बल्ब की रोशनी वगैरह चेकआउट करा तो किस टाइप में थ्रो निकल के आता है इसका। बाकी भाई 150 रुपये में अपना बल्ब भी डल गया, होल्डर भी डल गया, मतलब ओके रिपोर्ट होगी। लगाने वाले भी ले लिया और बल्ब वाले ने भी ले लिए। तो भाई अभी डल चुका है इसके अंदर बल्ब। तो भाई अंधेरे रास्ते में पता लगता है इसकी रोशनी का, वैसे तो आपको पता ही नहीं लगेगा, बट जब बल्ब ऑन हो जाता है ना तब देखो भाई कितना थ्रो अच्छा निकल के आता है, नहीं तो सिंगल बल्ब में तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। अभी जैसे यहाँ पे उबड़ खबड़ रास्ता आएगा थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप तो दिखेगा अब, लेकिन जैसे अगर बल्ब नहीं जल रहा होता तो कुछ नहीं दिखता भाई, बंद करना लाइट। ये देखो भाई अंधेरा हो गया। अब जब लाइट ऑन करेंगे तो करना भाई, ये देखो भाई लाइट ऑन करने के साथ कितना चांदना चांदना हो जाता है। तो भाई बल्ब तो आपकी गाड़ी में मैंडेटरी होना ही चाहिए, क्योंकि सिंगल लाइट पे कभी भी गाड़ी नहीं चलाई जाती। तो भाई बिना सिंगल लाइट के तो नहीं चल सकती ना गाड़ी बिल्कुल भी, क्योंकि भाई डबल लाइट तो होनी ही चाहिए, क्योंकि उसके पता है सामने जैसे वो ऑटो चल रहा है उसमें रिफ्लेक्टर की लाइट पड़ रही है, अगर लाइट नहीं जल रही होती तो पता नहीं लगता सामने कुछ भी। और अंधेरे रास्ते में देखो ऐसे रास्ते पे अगर चल रहे हो तो लाइट बहुत जरूरी होनी चाहिए, इसलिए भाई डलवा ही लिया। 180 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, बस वर्थ इट है 180 रुपये में हेलोजन लाइट। एलईडी लगवाते तो वो तो फिर महंगी पड़ती है आपको 3-4 हज़ार तक की, बट लेकिन इतने में ये ठीक है। तो भाई आप पहुँच चुके अपने घर आराम से लाइट वाइट लगवा के। तो भाई यही था एक पर्पस आपको दिखाने के कि भाई अपनी लाइट लगवा के चलो अच्छा रहता है उसके लिए अंधेरे वगैरह में। तो यही थी छोटी सी वीडियो, पसंद लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।